हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, मैं लेके आ गया हूं आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको किस सब्जेक्ट की कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि देखिए अब अंतिम दिन है, लगभग 2 महीने आपके एग्जाम के बचे हैं। 2 महीने में समझिए कि आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी जो कंपनी है TCS भी नहीं ले रही है और NSEIT आपका एग्जाम ले रही है, तो उसके हिसाब से हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए और हम अच्छे नंबर लेके आ सकें। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए अगर हम मैथ की बात करेंगे, क्योंकि मैथ अगर हमसे आ गया ना तो हमें सारे सब्जेक्ट सरल लगेंगे। सबसे पहले मैथ, देखिए मैथ बहुत से लड़के कहते हैं कि कौन सी पढ़े हैं कौन सी नहीं पढ़े। देखिए मेरे पास मैथ की जो बुक है, मैं आपको बता दूं, देखिए एक राकेश यादव सर के नोट्स आते हैं, ये बुक है राकेश सर यादव की। अगर आपने ये वाली बुक पढ़ ली तो ये समझे कि आप सभी एग्जामों के, जितने भी एग्जाम होते हैं ना बड़े बड़े, SSC CGL वाला कुछ भी हो, सारे एग्जाम के लिए बुक काफी है। लेकिन आप इसको क्यों पढ़ोगे, आपको नहीं पढ़नी। ऐसे मैंने इसको बुक को क्यों दिखाया आपको, पता है लड़के कहने सर किरण की सॉल्व कर लूं वो सॉल्व, तो आपको ऐसे नहीं करना कि किरण की सॉल्व कर लूं। भाई ग्रुप डी का पेपर देने आ रहे हैं, कोई IAS का पेपर नहीं देने आ रहे या CGL का पेपर नहीं देने आ रहे, तो आपको इतनी बड़ी बड़ी बुक पढ़नी पड़ेगी। आप बुक को कराओगे सॉल्व कर, सवाल करोगे, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, फिर इतना करोगे यार मैथ में तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो आप ऐसी बुकों को, ये वाली बुक को रख दो साइड में। कहां रखोगे, साइड में रखोगे। तो आपको लेनी है इस तरह की कोई बुक, देखिए ऐसी बुक ले लीजिए आप। देखिए ये वाली एक है रुक्मणी, रुक्मणी की बुक है मैथ की, बहुत सिंपल बुक है। अगर आप इसको करोगे ना बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, बहुत सिंपल है, ग्रुप डी के हिसाब से ही बनाई गई है। वैसे तो ऑल एग्जाम के लिए है, लेकिन ग्रुप डी के लिए बहुत अच्छी, आप ये बुक फॉलो कर सकते हो। ये उनके लिए बता रहा हूं मैं, इन्होंने बुक नहीं खरीदी है। हालांकि अगर आपके पास RS अग्रवाल की बुक है ना तो वो भी काफी है, आप उससे तैयारी कर सकते हैं। आप बुकों के चक्कर में नहीं जाइए, आपको मैंने मैथ की बता दी, या तो ये वाली बुक ले लो, सिंपल है, आप करने में भी आपको मजा आएगा, या फिर आप एक बुक है RS अग्रवाल वो वाली बुक कर लो, कम से कम 3 बार पढ़ो। पढ़ने का तरीका क्या है, ये नहीं ऐसे निकाल दी, कम से कम 3 बार पढ़नी पड़ेगी आपको। 3 बार पढ़ने के बाद में आपकी समझ में आ जाएगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए, क्वेश्चन की टाइप को समझिए कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन टाइप को समझने के बाद ही आप उस वाले चैप्टर को, यानी जो चैप्टर आपने किया है उसके को, जब सारे टाइप समझ में आ जाएंगे तब आपको आगे बढ़ना है। देखिए और मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा लड़के घबरा रहे हैं कि सर साइंस कैसे पढ़ें, साइंस की बुक कौन सी पढ़ें। तो साइंस की मैं आपको बता दूं, आप अगर साइंस की तैयारी करना चाहते हैं साइंस की बुक, देखिए रुक्मणी की ही साइंस की बुक लेना है, इसका कवर नहीं है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रुक्मणी की बुक है। तो रुक्मणी की बुक देखिए बहुत अच्छे से दे रखा है इसमें, अगर आप इसको ही कवर कर लोगे ना, एक तो टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सब कुछ दे रखा है और अच्छे से आपको समझाया भी है, यानी कि ये बुक काफी अच्छी लगी मुझे, मुझे काफी अच्छी बुक लगी। अगर आपने इसी बुक को, रुक्मणी की ही बुक को अगर अच्छे से कर लिया, यानी कि अच्छे से इस बुक को अगर कर लिया ना 2 महीने में, तो आपका 22 प्लस 25 में, अगर 22 प्लस ना हो जाए तो कह देना पूरा पेपर इसी में से फंसेगा, यानी कि 90% पेपर इसमें से ही फंसेगा, ग्रुप डी का 90% पेपर फंसने वाला है ग्रुप डी का। तो ये तो होगी साइंस की, तो साइंस के लिए आप रुक्मणी ले सकते हो, अंतिम दिनों में बहुत बेहतरीन बुक है। मैथ की मैंने आपको बता दी, ये बता दी, अब बात करते हैं रीजनिंग की, रीजनिंग की कौन सी बुक ले मैं। तो देखिए रीजनिंग की मैं आपको बता दूं, रीजनिंग की कोई खास बुक लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो रीजनिंग की तैयारी वहां से भी हो सकती है। फिर भी आप चाहते हैं कि मैं रीजनिंग की बुक लूं, तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो बुक ले लीजिए, वहां से आपका जो रीजनिंग के जो भी टॉपिक है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और रीजनिंग को मैं आपको बताऊंगा कि बुक से ज्यादा आपको एक बार यूट्यूब पर किसी अच्छे टीचर की, या आप देख सकते हैं एग्जाम्पल वाले सर हैं, उनकी वीडियो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं रीजनिंग की। अगर रीजनिंग की वीडियो आपको बहुत जरूरी है कि आप रीजनिंग को यूट्यूब से कवर करें, बुक से आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन रीजनिंग किसी टीचर से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये रीजनिंग की होगी, साइंस की होगी। अब बात करूं मैं जीके में लड़के कहते हैं कहां, भाई जीके 10 नंबर की आएगी, और आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है जीके में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल लूसेंट, इसके अलावा कोई बुक नहीं।
केवल और केवल लूसेंट पढ़िए जीके के लिए, इसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़नी है। लूसेंट काफी अच्छी बुक है, ये जीके ग्रुप डी के लिए ही नहीं, कि आप किसी भी और एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसके लिए भी लूसेंट काफी अच्छी बुक है। और आपको सब्जेक्टिव वाली बुक लेनी है, ऑब्जेक्टिव वाली नहीं लेनी। क्या है कि आप ऑब्जेक्टिव वाली ले लोगे तो वहां से आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले सब्जेक्टिव बुक लो, थ्योरी पढ़ो, वहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हो गई जीके की। अब देखिए करंट अफेयर की, करंट अफेयर की बुक बहुत ज्यादा लड़के कहते हैं करंट अफेयर कैसे पढ़ा। देखिए आपके पास कोई भी बुक नहीं है ना करंट अफेयर की, तो आप रुक्मणी की ही ले लो। रुक्मणी की बुक देखिए करंट अफेयर कितना अच्छा दिया है। देखिए ये करंट अफेयर की बुक है और मानिए अब ये बुक देखी ये वाली, तो इसमें सब क्रम से दिया हुआ है और बहुत अच्छे से, यानी कि हर चीज क्रम से दी हुई है इसमें। और आप हर चीज है, अगर आपने ये वाली बुक भी कंप्लीट कर ली ना, नोट्स भी मत बनाओ, बस ये बुक कंप्लीट कर लो आप, इसमें सब कुछ दिया है। अगर यही बुक कंप्लीट कर लोगे आप तो इसमें से ही आपकी पूरी करंट फंस जाएगी, पूरी करंट इसी में से आपकी फंसेगी। अब बात करेंगे, मैंने चारों बुक बता दी आपको, साइंस की कौन सी लेनी है, मैथ की कौन सी लेनी है, रीजनिंग की कौन सी लेनी है, किस सब्जेक्ट की कौन सी बुक लेनी है। अब मेन चीज आती है प्रैक्टिस सेट की। अब देखिए प्रैक्टिस सेट कौन सा लगाएं। देखिए प्रैक्टिस सेट सबसे पहले मैं बता दूं, आप अभी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे, प्रैक्टिस सेट लगाना बाद में। देखिए सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, अगर आपने पहले सिलेबस कंप्लीट कर लिया ना अच्छे से, तो फिर आपके मॉक टेस्ट में ऑटोमेटिक ही नंबर बढ़ जाएंगे। और देखिए प्रैक्टिस सेट क्या लगाना है, आपको ऑनलाइन भी लगाना है, ऑफलाइन भी लगाना है सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में। और आप जब भी ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगाएं तो केवल और केवल यही बुक लगानी है, दूसरी बुक मत लगाना आप प्रैक्टिस सेट की, एक ही बुक काफी है। ये बुक है रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट, बहुत अच्छी बुक है, बहुत कम गलतियां इसमें मिलती हैं, ना के बराबर गलतियां। आप ये वाली बुक ले आना, अगर किसी कहीं भी मार्केट में हर बुक सेलर के पास ये अवेलेबल होगी, उससे कह देना कि आप मुझे रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट दे दीजिए ग्रुप डी का, बहुत अच्छी बुक है, आपको ये बुक लगा लेनी है। मैंने आपको सभी सब्जेक्टों की बुक बता दी है कि कौन से सब्जेक्ट को आपको किस बुक से पढ़ना है, तो ये आप ये बुक केवल आपको ज्यादा बुकों में नहीं भागना, अगर आप बुक लेना ही चाहते हैं तो जो मैंने बता दी है आपको, इन बुक को परचेज कीजिए और इन बुक को अच्छे से तैयारी कीजिए। यानी कि ये नहीं कि एक बार कर ली, इन्हीं बुकों को, यानी कि इन जो ये बुक है इन्हीं को बार बार इन्हीं को पढ़ते रहो, इन्हीं को पढ़ो बस, दूसरी कोई किताब लो ही मत। अगर दूसरी किताब लोगे तो फिर आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे। आप इन्हीं बुकों को बार बार पढ़िए, जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़िए। गारंटी देता हूं अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए, 80 प्लस नंबर नहीं आ जाए इन बुक से, गारंटी है अगर आपने अच्छे से पढ़ ली। या फिर आपके अगर कम नंबर आते हैं ना, जब पेपर देके आओ तो मिला लेना कि इन बुक से क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं, पूरा पेपर इन बुक से फंसेगा इन बुक से। तो देखिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो इसी तरह से आपको करनी पड़ेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करना, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।